दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक हेल्दी नई रेसिपी लाई हूँ जो स्वाद से भरी और सेहत से भरपूर है। जी हाँ, अलसी की चटनी है दोस्तों। अलसी में ओमेगा 3 होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वह हार्ट के प्रॉब्लम और कोलेस्टेरॉल के प्रॉब्लम को कम करता है। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं और मराठी में जवस कहते हैं दोस्तों। और ये अलसी मार्केट में इजीली मिल जाती है। आज की हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी को पूरा देखें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ माया और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की चटनी। उसके लिए लिया है मैंने आधा कटोरी अलसी। देखिए, अलसी के बीजे है आधा कटोरी लिया है हमने इसको। और इसी के साथ लिया है हमने कुछ करी पत्ते हैं, 5-6 करी पत्ते हैं और 7 से 8 लहसुन की कलियां है, आधा चम्मच जीरा है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हमने लिया है ऑयल, आधा चम्मच नमक और 1 पिंच हमने हींग लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अलसी को अच्छे से साफ कर लेना है, चुन लेना है और हमें सबसे पहले अलसी को भून लेना है। तो उसके लिए मैंने एक पैन गैस पर चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। जैसे ही वो गरम होता है हम इस पर अलसी डाल देंगे इसमें और कम आंच पे हम अलसी को भून लेंगे। अलसी को हमने पैन में डाल दिया है दोस्तों। अभी हमें इसको कम आंच पर ही अच्छे से चला लेना है, अच्छे से भून लेना है और हाई फ्लेम पर तो बिल्कुल भी हमको इसको नहीं चलाना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे हम इसको भुनेंगे तो हमारी अलसी जल जाएंगी और उसका चटनी का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। अलसी को हमें 1-2 मिनट के लिए भून लेना है और याद रहे अलसी जलने ना पाए। भुने हुए अलसी को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है दोस्तों। अभी हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल में हम जीरा डाल देंगे और लहसुन की कलियां भी इसमें डाल देंगे हम, और करी पत्ते भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। अभी हम क्या क्या करेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें अच्छे से इसको भून लेना है और इसको भी ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, अलसी बिल्कुल पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में हम इसको डाल देंगे और साथ ही साथ हमने जो चीज़ें भून के रखी है, लहसुन, जीरा और करी पत्ता, हम इसको भी इसमें डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। इस तरह से हमने अलसी की चटनी को पीस लिया है बारीक, देख सकते हो आप, पाउडर के जैसा हमने बना लिया है इसको। अभी हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो सूखे मसाले हैं हम इसमें सभी डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें सूखे मसाले सभी डाल देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी डाल देंगे हम इसमें, नमक और एक पिंच हमने जो लिया था हींग, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हमने इसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए दोस्तों। अभी हमें क्या करना है, इसको वापस से एक बार चला लेना है, इसको वापस से एक बार हमें पीस लेना है। इस तरह से हमने हमारे अलसी की चटनी को पीस लिया है और पाउडर बना लिया है। अभी हम इसमें एक खास चीज़ डालेंगे दोस्तों, जिसके वजह से हमारी जो अलसी की चटनी है वो बहुत टेस्टी बनने वाली है। हमने अलसी की चटनी को हमने एक बोल में डाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें एक खास चीज़ डालेंगे। वो खास चीज़ है अमचूर पाउडर, और 1 पिंच हमने अमचूर पाउडर लिया है
वो एक पिंच अमचूर पाउडर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अमचूर पाउडर लिया है मैंने, ये इसमें हम डाल देंगे। दोस्तों अमचूर पाउडर दोस्तों बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों हमारी अलसी की चटनी बिल्कुल रेडी है, जो अमचूर डालने के वजह से चटपटी और खास बन चुकी है। इस अलसी की चटनी को आप रोज़ खाना खाने के साथ सुबह शाम एक एक चम्मच रोज़ खाएं और हैप्पी और हेल्दी रहे। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।